जय माता दी दोस्तों, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के 9 दिन में करें इन रंगों का इस्तेमाल, मिलेगी माता रानी की असीम कृपा। सनातन धर्म में नवरात्र के समय को बहुत ही पवित्र और विशेष माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के में मुख्य रूप से 2 नवरात्रे मनाए जाते हैं। वहीं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र की शुरुआत मानी जाती है। आइए जानते हैं नवरात्र के कौन से दिन किस रंग का प्रयोग लाभकारी माना जाता है। नवरात्र का पहला दिन 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। इस दिन लाल रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करें। मंगलवार से नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो रही है, ऐसे में यदि आप इस दिन पूजा में अधिक से अधिक लाल रंग का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। सनातन धर्म में लाल रंग उत्साह एवं प्रेम का प्रतीक माना गया है तथा माता के चढ़ावे में लाल चुनरी भी प्रिय मानी गई है, तो आप मंगलवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग करें। नवरात्रि का दूसरा दिन 10 अप्रैल 2024 बुधवार, रंग गहरा नीला। इस दिन आप गहरे नीले रंग के कपड़े पहनें। बुधवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है, इस दिन नीले रंग का प्रयोग करना शुभ माना गया है। यह रंग समृद्धि एवं शांति का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में आप नीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, नीले रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, रंग पीला। इस दिन आप पीले रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करें। नवरात्रि में गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। यह रंग ऊष्मा का प्रतीक है, ऐसे में नवरात्रि के तीसरे दिन पीले रंग का प्रयोग करें और पूजा पर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसे करने से आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नवरात्रि का चौथा दिन 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। इस दिन हरे रंग का प्रयोग करें। हिंदू धर्म में हरा रंग प्राकृतिक का प्रतीक माना गया है, वहीं हरा रंग जीवन में नई शुरुआत का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन यानी नवरात्र के चौथे दिन पर पूजा के दौरान हरे रंग का प्रयोग जरूर करें। ऐसा करने से आपको देवी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। नवरात्रि का पाँचवा दिन 13 अप्रैल 2024 दिन शनिवार। इस दिन सिलेटी ग्रे कलर का प्रयोग करें। सिलेटी रंग संतुलित विचारधारा का प्रतीक है, साथ ही यह रंग व्यक्ति को व्यवहारिक एवं सरल बनने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में नवरात्रि के पांचवें दिन यानी शनिवार को इस रंग का प्रयोग करके आप जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। नवरात्रि का छठवां दिन 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार। इस दिन नारंगी रंग का प्रयोग करें। माना जाता है कि नवरात्रि के छठे दिन पूजा के दौरान नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने से देवी प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। साथ ही यह रंग मन में ऊर्जा का संचार करता है और उत्साह जगाए रखता है। वहीं नारंगी रंग जीवन में सकारात्मकता लाने में भी सहायक होता है। नवरात्रि का सातवां दिन 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। इस दिन सफ़ेद रंग का उपयोग करें। हिंदू धर्म में श्वेत या सफ़ेद रंग को शुद्धता व सरलता का पर्याप्त माना गया है, ऐसे में देवी की कृपा प्राप्ति के लिए नवरात्रि के सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के परिधान धारण करें। इससे साधक को आत्म शांति एवं सुरक्षा का अनुभव होता है। नवरात्रि का आठवां दिन 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। इस दिन गुलाबी रंग का प्रयोग करें। नवरात्रि का आठवां दिन गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। यहाँ गुलाबी रंग प्रेम स्नेह का प्रतीक है, साथ ही यह रंग स्नेह का प्रतीक है, इसलिए नवरात्र में इस रंग का प्रयोग आपके रिश्तों को जोड़ने में मदद करेगा। नवरात्रि का नौवां दिन 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। इस दिन आसमानी रंग का प्रयोग करें। आसमानी नीला रंग प्रकृति की विशालता एवं अखंडता का प्रमाण है, ऐसे में नवरात्र में बुधवार के दिन आप इस रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।